Transformer. In our daily life, we use various electrical appliances which require working voltage different from the voltage of mains, that is 220 volt. 220 volt से अलग होता है. Example, a doorbell needs 6 volt. बहुत कम चाहिए. Cathode ray tube in a television needs nearly 10,000 volt. ये पहले के जमाने के जो टेलीविजन्स होते हैं ऐसे होते थे, पीछे बहुत बड़ा रहता था, कैथोड रे ट्यूब 10,000 वोल्ट से. टू प्रोवाइड सूटेबल वोल्टेज टू द डिफरेंट अप्लायंसेस फ्रॉम द मेन्स वी यूज ट्रांसफार्मर्स विद देम. सूटेबल वोल्टेज जो है प्रोवाइड करने का. Thus, a transformer is a device by which the magnitude of an alternating EMF can be increased or decreased. Okay, increase या फिर decrease कर सकते हैं हम लोग EMF को, voltage को. Transformer does not affect the frequency of the alternating voltage. The frequency remains fixed. That is 50 hertz. Principle. A transformer works on the principle of electromagnetic induction and makes use of two coils having different number of turns. The two coils are primary and secondary. The given alternating EMF of which the magnitude is to be changed is applied across the primary coil, and the appliance in which output is to be obtained is connected across the secondary coil. So primary mein kya hota hai? आता है, ठीक है, सेकेंडरी से निकलता है और सेकेंडरी पे लोड रहता है. अप्लायंस इन विच द आउटपुट इज टू बी ऑब्टेन, ठीक है. ये देखिए, वो डिपेंड करता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको. जनरेटर तो हो गया था, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर. ठीक है, ठीक है, दिख रहा है क्या? ठीक है, ये हो गया इनपुट. इनपुट में भी कॉइल है और आउटपुट में भी कॉइल है. द गिवन ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ ऑफ विच मैग्नीट्यूड इज टू बी चेंज्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉयल एंड द अप्लायंस इन विच द आउटपुट इज टू बी ऑब्टेन्ड इज कनेक्टेड अक्रॉस द. व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू वेरिंग करंट इन द प्राइमरी कॉयल द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल चेंजेस एंड सो एन इंड्यूस्ड वेरिंग करंट ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड फ्लोज इन द सेकेंडरी कॉयल. ठीक है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ वेरिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है ना, सेकेंडरी कॉइल से लिंक रहता है वो भी चेंज हो जाता है और उसके बाद फिर वेरिंग करंट सेम फ्रिक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड. Transformer cannot be used with a direct current source because if current in primary coil is constant,
देन देर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल एंड हेंस नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉयल। ध्यान से समझिएगा, लोग जब बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेट अस से यू नो कि इनपुट ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा हुआ इनपुट, तो फिर ये ऐसा है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है साउंड? और क्योंकि ये कोर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसमें भी कुछ इस तरफ हो जाएगा, क्लियर है क्या, आ रहा समझ में? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअली लिंक्ड रहता है, क्या रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए, ये एसी में ही यूज होता है, डीसी में इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली ये प्रिंसिपल होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ ना तो उसके ऊपर ये प्रिंसिपल, उसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर है, मेड अप फ्रॉम द थिन लैमिनेटेड शीफ्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन टी एंड यू शेप प्लेस ऑल्टरनेटिव वन अबव द अनदर। ये दिख रहा है, ये टी है, ये यू है, एंड इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई अ पेंट और वार्निश कोटिंग ओवर दम एज शोन इन द फिगर 10.35। और ये देखिए, ये सब जो है क्या है, एक दूसरे से इंसुलेटेड है। दिस फॉर्म्स ए सिंपल रेक्टेंगुलर कोर, ये सिंपल क्या हो गया, रेक्टेंगुलर कोर हो गया, कोई दिक्कत। इन दोनों के बीच में देखिए गैप है, जिससे क्या है, कॉयल जो है वाउंड हो सकता है, ये दिख रहा है क्या। On one arm of the core, the primary coil P of insulated copper wire is wound. This coil is connected with the source of alternating EMF, that is at the ends of this coil, the input is given. Clear है क्या? इसमें हम लोग क्या देते हैं? Input. कोई दिक्कत? नहीं. On the other arm of the core, secondary coil S of the insulated copper wire is wound. The induced alternating EMF is obtained across the terminals of this coil, that is the output is obtained at the ends of this coil. एक तरफ इनपुट है, दूसरे तरफ, कोई दिक्कत? The induced alternating EMF is obtained across the terminals of this coil. The output is, that is, output is obtained at the ends of this. The ratio of the number of turns NS in the secondary coil to the number of NP in terms of primary coil is called the turns ratio. Turns ratio क्या हो गया? Number of turns in secondary coil divided by number of turns in, ये हो गया secondary coil. इसमें हो गया number of turns primary coil. कोई दिक्कत? नोट, द लैमिनेटेड कोर प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द इंड्यूस्ड और एडी करेंट्स इन द कोर। यह लैमिनेटेड आयरन कोर, यह एक दूसरे से लैमिनेट किया जाता है, मतलब कि यह जो है दूसरे से है ना इंसुलेटेड है। हाँ, इसको पेंट कर दिया जाता है, तो इसको इंसुलेट करने के लिए क्या करेगा, पेंट कर देता है, जैसे कि हम लोग वायर इंसुलेट करने के लिए वायर के ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग देते हैं, वैसे तो इसके ऊपर जो है पेंट करने से वो पेंट भी क्या है, प्लास्टिक का कोटिंग होगी।
द लेमिनेटेड कोर प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द इंड्यूस्ड और एडी करेंट्स इन द कोर. एडी करेंट क्या होता है? एडी करेंट से करेंट लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ क्लोज कोर इज दैट इट गिव्स अ क्लोज पाथ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड देयर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कॉज ड्यू टू द करेंट इन द प्राइमरी कोर रिमेन लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉयल. दैट इज द फ्लक्स लिंक्ड इज नियरली परफेक्ट एंड द लॉस ऑफ एनर्जी इज अवॉइडेड. ये जो है ऐसे चला जाएगा. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? The core of the core is made of soft iron or hysteresis so that the loss of energy in the core gets minimized. क्या होता है इसका मतलब क्या है? देखिए ये जो है इसके कारण इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया. यस और नो? कब? जब करंट ऐसे जा रहा है तो. लेकिन अगले ही क्षण जो है करंट इधर हो जाएगा. यस और नो? इसमें करंट कैसे था? ऐसे था. इसमें करंट हो गया ऐसे. क्लियर है क्या? यस और नो? इसमें जो है मैग्नेटिक लूप इधर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हो जाएगा. क्लियर है क्या? अब जो है ये कोर ऐसा होना चाहिए कि पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर था, बाद में इधर हो गया, है कि नहीं? तो ये इजीली डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, तभी तो. एक इधर था, उसके बाद फिर जीरो होकर के फिर से इधर हो गया, तो इसको कुछ परवाह नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसका. लेकिन अगर मानिए कि हम इधर ऐसे दिए और ये जो है मैग्नेटाइज हो गया इधर, अब हम इधर दे रहे हैं तब भी ये इधर ही कर रहा है, तब तो गलत हो जाएगा ना. तो दिस शुड बी, इसलिए कोर जो है सॉफ्ट आयरन का बनता है विच इज हैविंग अ टेम्पररी, इससे हम लोग टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं. हाँ, टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं होगा. क्लियर है क्या? परमानेंट नहीं होगा. समझ में? When the terminals of primary coil are connected to the source of alternating EMF, a varying current flows through the primary coil. This varying current produces a varying magnetic field in the core of the transformer. Thus, the number of magnetic field lines linked with the secondary coil vary, due to which an EMF induces in it. The induced EMF varies in the same manner as the applied EMF in the primary coil varies and thus has the same frequency as that of the applied EMF. अब जो है इधर है ना, करंट वेरी कर रहा है, फ्लक्स वेरी कर रहा है, फ्लक्स के कारण इंड्यूस होगा. तो ये जो वेरी करेगा ना, सेम वे में इधर भी वेरी होगा. क्लियर है क्या? ठीक है. द वेरिंग करंट प्रोड्यूसेस अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ. कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं. Thus, the number of magnetic field lines linked with the secondary coil vary due to which an EMF induces in it. The induced EMF varies in the same manner as the applied EMF in the primary coil varies and thus has the same frequency as that of the applied EMF. जो induced EMF है इसी हिसाब से वैरी करेगा जैसे कि प्राइमरी कॉयल में वैरी कर रहा था. क्लियर है क्या? सर नो? For a transformer, EMF across the secondary coil, ES by EP, is equal to number of turns in the secondary coil divided by NP. ये आपको याद करना है. ES by EP is equal to, कोई दिक्कत? कोई टेंशन? ये आपको याद करना है. ठीक है.
ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस माइनस टर्न्स रेशियो एम, तो ई एस हो जाएगा ई पी इंटू टर्न्स रेशियो एम. दस द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉयल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉयल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल, दैट इज टर्न्स रेशियो, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ अप्लाइड इन द प्राइमरी कॉयल. क्लियर है क्या? फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर वेन देर इज नो एनर्जी लॉस द आउटपुट पावर विल इक्वल टू द इनपुट पावर. ठीक है, तो पावर क्या होगा? ई एस इंटू आई एस शुड बी इक्वल टू ई पी इंटू, बट ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस आई एम पी, देर फॉर आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी. क्लियर है क्या? तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू ई एस डिवाइडेड बाई ई पी. ये तो हो गया पहला. अब क्या है कि ई एस इंटू करेंट इन सेकेंडरी शुड बी इक्वल टू ई पी इंटू करेंट इन प्राइमरी. ठीक है ना? यस और नो? तो इसमें देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाय आई एस विच इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी. ये याद रख लीजिए. ये आपको याद है, हाँ, लेकिन ई एस और एन एस सही है, इधर उल्टा हो जाएगा. क्लियर है क्या? टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, सॉरी, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफर. पहला हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर यूज टू चेंज अ लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अ हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम ही रहेगी. फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी सेम रहने का मतलब क्या है कि ध्यान से समझिएगा. देखिए ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट को ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट है. ठीक है, तो कभी ये पॉजिटिव रहेगा, कभी ये नेगेटिव रहेगा. तो जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया. और जब ये नेगेटिव रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो जब 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 ये चेंज करेगा पोलैरिटी सेम फ्रीक्वेंसी से, ये भी चेंज करेगा पोलैरिटी. ठीक है, जितने टाइम में ये चेंज करेगा उतने ही टाइम में ये चेंज करेगा, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहे. आगे बढ़ते हैं. तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर यूज टू चेंज अ लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अ हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दैट इज ई एस इज ग्रेटर देन ई पी. In a step-up transformer, the number of turns in the secondary coil is more than the number of turns in the primary coil. Simple है, हमको जो है ये पता है ES by EP is equal to NS by NP. Clear है क्या? अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ES greater than EP चाहिए. तो primary में जो voltage आ रहा है उससे ज़्यादा हमको voltage चाहिए यहाँ पे. Voltage primary, ये वोल्टेज सेकंड, ये ग्रेटर होना चाहिए. क्लियर है क्या? तभी तो स्टेप अप हुआ ना, वोल्टेज बढ़ा. ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसीलिए जो है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स. इस एग्जांपल में ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि देख लीजिए ध्यान से, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स. कोई दिक्कत नहीं? दैट इज एन एस बाई एस ग्रेटर देन एन पी, दैट इज द टर्न रेशियो एन इज ग्रेटर देन वन एज शोन इन फिगर 10.36.
सिंस करेंट, ठीक है दिख रहा है क्या, इनपुट में कम है इधर ज्यादा है, सिंस करेंट इन प्राइमरी कॉयल इज मोर देन इन सेकेंडरी कॉयल और आई पी इज ग्रेटर देन आई एस, सो द वायर इन द प्राइमरी कॉयल इज थिकर देन इन द सेकेंडरी कॉयल, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब वोल्टेज कम है यहाँ वोल्टेज ज्यादा, इसका मतलब करंट यहाँ पे ज्यादा होगा, करंट यहाँ कम होगा, तो करंट ज्यादा है तो इसीलिए यहाँ पे थिक वायर चाहिए, क्लियर है क्या ऐसा वरना? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, इनपुट विल बी ग्रेटर, आउटपुट जो है कम होगा। द ट्रांसफार्मर यूज टू चेंज अ हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अ लोअर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ES इज लेस देन AP। इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉयल आर लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल, कोई दिक्कत हाँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इन अ स्टेप डाउन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉयल आर लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल, दैट इज टर्न्स रेशियो N इज लेस देन 1, ठीक है यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो इसीलिए इसका जो है EMF ज्यादा होगा इधर EMF कम होगा। रेजिस्टेंस रेशियो N इज लेस देन 1 एज शोन इन फिगर 10.37। सिंस करंट इन सेकेंडरी कॉयल इज मोर देन इन द प्राइमरी कॉयल दैट इज IS इज ग्रेटर देन IP, सो द वायर इन सेकेंडरी कॉयल इज थिकर देन इन द प्राइमरी कॉयल, तो जिसमें भी कम टर्न रहेगा उसमें करंट ज्यादा है इसीलिए इसका वायर जो है थिकर रहेगा, ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म। Note, the use of thicker wire in a coil reduces its resistance and therefore reduces the loss of energy as heat in the coil. This energy loss due to heat is known as copper loss. ठीक है, अब actually क्या होता है कि जब wire thick होगा, ठीक है ना, तो हम लोग पढ़े हैं current electricity में क्या पढ़ रहे हैं, resistance is equal to rho into L divided by A, ये A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर है क्या, तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, और जब रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर होता है ना लॉस, क्लियर है क्या, तो जैसे ही रेजिस्टेंस घटेगा लॉस भी घटेगा, देयरफोर इसी के कारण हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा रखते हैं, समझ में आ रहा है सरनो, कोई दिक्कत? इफ वी वांट टू ट्रांसमिट 1.1 किलो वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक पावर एट 11 किलो वोल्ट, वी यूज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है चलिए अब ये एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ध्यान से समझिएगा, ठीक है हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना से कितना कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, वांट टू ट्रांसमिट 1.1 किलो वाट, किलो वाट तो पावर हो गया, क्लियर है क्या, क्या हो गया ये किलो वाट, क्या हो गया पावर, 220 वोल्ट, कितना वोल्ट है, अब इसको हमको 11000 वोल्ट में तब्दील करना है, कितना में, सेकेंडरी मेरा 11000 वोल्ट है, 11000 यानी कि 220 से ज्यादा है ना, यस और नो, तो हम लोग ये पता चल रहा है कि ये क्या है, कौन सा है, स्टेप डाउन नहीं, अब 220 से 11000 वोल्ट हो रहा है ना, तो बढ़ रहा है ना, वी यूज अ स्टेप अप ट्रांसफर विच विल स्टेप अप ईपी 220 टू 11000 वोल्ट, क्लियर है क्या, द टर्न्स रेशियो, तो टर्न्स रेशियो क्या हो जाएगा, ई एस बाय ईपी इज इक्वल टू एन एस बाय ES by EP कर दीजिए, क्या हो जाएगा 11000 डिवाइडेड बाय 220 कट गया 22, तो ये 550, क्लियर है क्या, सर नो, यहां पे दिख रहा है 50 by 1, यस और नो,
समझ में आ रहा है? दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉयल विल बी 50 टाइम्स दैट ऑफ द, ठीक है? अच्छा, अब जो है करंट कितना कितना है ये भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है करंट इंटू वोल्टेज। ये सुनो, ये कितना है? तो इसका मतलब कि 1.1 इंटू 1000, ये हो गया पावर, विच इज इक्वल टू आई इंटू वी। वी कितना है? 220 वोल्ट। आई मेरा निकल जाएगा, आई हो जाएगा फिर से 1100 डिवाइडेड बाय 220, 5 एम्पियर। समझ में आ रहा है? आई पी इज इक्वल टू पी इंटू वी। पी क्या होता है? आई वी होता है। पावर जो है आपका दिया हुआ है 1.1 किलोवाट। कोई दिक्कत नहीं? तो करंट कितना हो गया इधर? 5 एम्पियर। और ये करंट यहां पे अब जो है वोल्टेज बढ़ गया है, लेकिन तो करंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। वोल्टेज 50 गुना बढ़ा है तो ये 50 गुना रिड्यूस हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 50 कितना हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। क्लियर है क्या? सुनो, अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। Hence, the primary winding has to be of a thicker wire as compared to that of the secondary winding to reduce the heat loss. क्योंकि primary में 50 एम्पियर था और उसमें जो है 0.1 एम्पियर है, कम है। क्लियर है क्या? If we want to run, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है। If we want to run a 6 volt, 12 volt bulb, बल्ब जो है कितना 12 volt पे हमको रन करना है, और मेन सप्लाई कितना है 240 वोल्ट है। अब मैं ठीक है 240 यहां पे दिया हुआ है। क्लियर है क्या? तो जब 240 है तो अब ध्यान से देखिए, हमको 240 का क्या करना है? 240 से हमको 12 करना है। वोल्टेज बढ़ा कि घटा? क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन। क्लियर है क्या? ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। कितना हो जाएगा टर्न्स? 240 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 20। 20 टर्न जो है ज्यादा रहेगा प्राइमरी में, सेकेंडरी में 20 टर्न 20 है ना, 20 टाइम्स कम रहेगा। दिस टर्न द रेशियो फॉर दिस ट्रांसफार्मर विल बी 1/20। क्लियर है क्या? यस और नो? क्या होगा? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉयल विल बी 1/20th दैट इन द प्राइमरी कॉयल। तो अगर बोला जाए कि प्राइमरी कॉयल में अगर मेरा 200 टर्न है, कितना है तो इसमें 20 टाइम्स डिवाइड कर दीजिए, 200 डिवाइड बाय 20 कितना हो जाएगा? 200 डिवाइड बाय 20 इज 10, 10 टर्न्स रहेगा। क्लियर है क्या? फर्दर एज द आउटपुट पावर इज 6 वॉट, कितना है आउटपुट वायर पावर? 6 वॉट, ठीक है? तो आउटपुट पावर इज 6 वॉट्स, तो क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट है तो करंट हो जाएगा 6/12 विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। क्लियर है क्या? कितना हो जाएगा करंट? 0.5, ठीक है? और इस साइड करंट कितना हो जाएगा? दोनों साइड पावर सेम ही होना है तो 6/240 1/40 इज इक्वल टू 0.025 एम्पियर। क्लियर है क्या? यानी कि 25 मिली एम्पियर जो कि यहां पे हम लोग को दिख रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल बी 1/20th। फर्दर एज द आउटपुट पावर इज 6 वॉट, इनपुट पावर विल ऑल्सो बी 6 वॉट, देयरफॉर करंट इन प्राइमरी कॉइल हो जाएगा 6/240 और उसमें हो जाएगा 6/12 जिस 0.5 एम्पीयर। हेंस द सेकेंडरी वाइंडिंग हैज टू बी ऑफ थिकर वायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग टू रिड्यूस द हीट और कॉपर लॉस। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं।
uses of transformer. In our houses, both types of transformer are used with the electrical appliances which operate at a voltage other than the voltage supplied by the mains. Example, doorbell 6 volt, TV 10,000 volt. Uses of step-up transformer. Step-up transformer मतलब कि हमको ज़्यादा voltage चाहिए. In transmission of electric power at the power generating station to step up the voltage. अब देखिए, जब voltage ज़्यादा है तो current क्या होगा? कम होगा. Clear है क्या? तो कम current जब wire में जाता है ना, तो फिर wire का current loss कम हो जाता है. ठीक है, इसीलिए जो है है ना, तो इसीलिए वोल्टेज बढ़ गया. टेलीविजन में यूज होता है क्योंकि टेलीविजन में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, वायरलेस सेट में भी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और एक्सरे ट्यूब में भी ज़्यादा वोल्टेज चाहिए. स्टेप डाउन छोटा छोटा चीज के लिए, इलेक्ट्रिक बेल के लिए, नाइट इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए, मोबाइल फोन, कंप्यूटर. मोबाइल फोन में अगर आप ज़्यादा वोल्टेज दे दीजिएगा तो सर्किट डैमेज हो जाता है. At the power substations to step down the voltage before its distribution to the consumers. अब जो है 11,000 volt line आया आपके transformer में, है ना, यहाँ पे जो मोहल्ले में लगा हुआ रहता है transformer, वहाँ पे अब step down होगा, 11,000 से 220 volt पे आएगा. ठीक है, distinction between step up and step down. Step up में क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा voltage, current decrease हो जाएगा. Turn ratio step up तो secondary का ज़्यादा होगा. वायर ऑफ प्राइमरी कॉयल थिकर होगा क्योंकि प्राइमरी कॉयल में वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है. यूजेस पावर जनरेटिंग स्टेशन, एक्सरे ट्यूब, टेलीविजन एक्सेट्रा. स्टेप डाउन डिक्रीजेस द एसी वोल्टेज, करंट इंक्रीज हो जाएगा. टर्न्स रेशियो लेस देन वन होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, वायर अब सेकेंडरी में कम है वोल्टेज तो करंट ज़्यादा होगा, तो वायर ऑफ सेकेंडरी कॉयल इज थिकर. हाँ, कहाँ, पावर सबस्टेशन, नाइट इलेक्ट्रिक बल्ब, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, छोटा छोटा अप्लायंस. तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका.